नमस्ते दोस्तों, मोटरबीम हिंदी में आप सबका स्वागत है। कुछ ही दिनों में इंडियन मार्केट में एक नई एसयूवी लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है C5 एयर क्रॉस। अब ये गाड़ी लॉन्च होगी सिट्रेन की तरफ से। सिट्रेन एक फ्रांस बेस्ड ऑटोमेकर है और ये गाड़ी उनकी इंडियन मार्केट में सबसे पहली ऑफरिंग रहेगी। ये गाड़ी कम्पीट करेगी हुंडई 200 और जीप कंपस के साथ। और आज के वीडियो में मैं सिट्रेन C5 एयर क्रॉस को हुंडई 200 के साथ कंपेयर करूंगा। शुरू करने से पहले मोटरबीम हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब जहाँ तक डिज़ाइन की बात होती है तो हुंडई 200 एक कॉमन गाड़ी इंडियन रोड्स पे। ये वाली जनरेशन इंडिया में 2016 में लॉन्च हुई थी और अभी कुछ ही महीनों पहले ये गाड़ी को एक मिड लाइफ अपडेट मिला, लेकिन डिज़ाइन चेंजेस इतने ज़्यादा मेजर तो थे नहीं। ये गाड़ी प्लेजेंट लगती है हाँ, लेकिन इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं लगती, इतनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं लगती। लेकिन अगर हम C5 एयर क्रॉस के डिज़ाइन की बात करें तो ये गाड़ी थोड़ी क्वर्की लगती है, थोड़ी स्टाइलिश, थोड़ी अपीलिंग ज़्यादा लगती है हुंडई 200 के कंपैरिजन में। और क्योंकि ये एक ऑल न्यू मॉडल है तो हमारे रोड्स पे ये ज़्यादा अटेंशन भी ग्रैब करती है। जहां तक साइज की बात होती है तो C5 हुंडई 200 से 20 मिलीमीटर लंबी है और 50 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है। सिट्रेन C5 का व्हील बेस भी हुंडई 200 के व्हील बेस से 60 मिलीमीटर ज्यादा लंबा है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो हुंडई 200 सिट्रेन C5 एयर क्रॉस से 10 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है। ये दोनों गाड़ियों में आपको 18 इंच के टायर्स मिल जाते हैं। सिट्रेन में आपको 235 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं और हुंडई 200 में आपको 225 सेक्शन के टायर्स मिल जाते हैं। अब हुंडई 200 में अगर आप पेट्रोल वेरिएंट खरीदेंगे तो आपको स्पेयर व्हील भी फुल साइज का अलॉय मिलेगा, लेकिन डीजल वेरिएंट के साथ आपको एक स्पेस सेवर टायर मिलता है। सिट्रेन C5 में आपको जो स्पेयर व्हील मिलता है वो एक प्रॉपर फुल साइज अलॉय व्हील है। अब हुंडई 200 की लोअर वेरिएंट में आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं और इसके टॉप वेरिएंट में आपको LED प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं। सिट्रेन में आपको बेस वेरिएंट में प्रॉपर हैलोजन लाइट्स ही मिलती है, इसमें आपको प्रोजेक्टर्स नहीं मिलते, आपको रेगुलर हैलोजन हेडलैम्प्स मिलेगी, लेकिन इसके टॉप वेरिएंट में आपको फुल LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। तो ये हो गए ये दोनों SUVs के एक्सटीरियर्स की बात। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा अपीलिंग लगती है। अब हम बात करेंगे हुंडई 200 और सिट्रेन C5 एयर क्रॉस के इंटीरियर्स के बारे में। ये दोनों गाड़ियों में आपको इंटीरियर के लिए फुल ब्लैक कलर थीम मिल जाती है। अब हुंडई 200 की जो डिज़ाइन है वो एर्गोनॉमिक है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा फंकी नहीं लगती इन कंपैरिजन टू द C5 एयर क्रॉस, जिसका इंटीरियर भी आपको थोड़ा क्वर्की लगेगा और थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश भी लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़े अलग टाइप के यूनिक डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। सिट्रेन C5 का जो इंटीरियर है वो ज़्यादा फ्रेश फील होता है हुंडई 200 के इंटीरियर के कंपैरिजन में, लेकिन दोनों गाड़ियाँ काफ़ी फीचर लोडेड है। दोनों में आपको अच्छे इक्विपमेंट लेवल्स मिल जाते हैं। फिट एंड फिनिश एंड ओवरऑल क्वालिटी के मामले में भी दोनों गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी फेयर करती है और दोनों में आपको अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। अब हुंडई 200 में आपको एक 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, नेविगेशन, ये सब कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं और इसमें आपको इन्फिनिटी के स्पीकर्स भी मिलते हैं। हुंडई 200 में आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे, 2 ट्वीटर्स मिलेंगे आगे, एक डैशबोर्ड माउंटेड सेंट्रल स्पीकर मिलेगा, एक सबवूफर मिलेगा और एक एम्पलीफायर मिलेगा इन कंपैरिजन टू द C5 एयर क्रॉस, जिसमें भी आपको एक 8 इंच का स्क्रीन मिलेगा, लेकिन इसमें आपको 6 स्पीकर्स ही मिलते हैं, यानी कि 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स। दोनों गाड़ियों में आपको अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाती है, लेकिन पर्सनली मुझे हुंडई 200 के इन्फिनिटी स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी थोड़ी बेहतर लगी। अब ये दोनों गाड़ियों में आपको अच्छी टच स्क्रीन्स मिल जाती है जो यूज़र फ्रेंडली है, लेकिन हुंडई का जो यूज़र इंटरफेस है वो ज़्यादा ईजी टू यूज़ लगता है। सिट्रेन में जब आप पहली बार बैठेंगे तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सब मेन्यूज़ को, सब फंक्शंस को देखने के लिए, उसके बाद आप एक बार यूज़ टू हो जाएंगे, उसके बाद आपको वो ईजी टू नेविगेट लगेगा। अब सिट्रेन C5 एयर क्रॉस में आपको कनेक्टेड कार फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन हुंडई 200 में आपको ब्लू लिंक कनेक्टिविटी मिल जाती है। हुंडई 200 के कैबिन में आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है, लेकिन सिट्रेन में आपको लेदर एंड क्लॉथ का एक मिक्सचर मिल जाता है। ये दोनों गाड़ियाँ काफ़ी स्पेशियस, आपको आगे पीछे अच्छी स्पेस मिल जाती है, अच्छे कंफर्ट लेवल्स भी मिलते हैं। अब हुंडई 200 की जो पीछे की सीट है उसमें आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शनैलिटी मिलती है, आप सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हैं और 60-40 के रेशियो में उसको स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन सिट्रेन की जो पीछे की सीट है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और तीनों इंडिविजुअल पार्ट्स को आप रिक्लाइन कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं आगे और पीछे, और तीनों को इंडिविजुअली या साथ में भी फोल्ड डाउन कर सकते हैं। दोनों गाड़ियों की जो सीट्स है वो अच्छा कंफर्ट ऑफर करती है, पर्सनली मुझे सिट्रेन की रियर सीट ज़्यादा अच्छी लगी। अब ये दोनों गाड़ियों के सभी दरवाजों में आपको बड़े बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, सेंटर कंसोल में थोड़े स्टोरेज स्पेसेस भी मिल जाते हैं। अब ज़्यादा हुंडई 200 के बूट कैपेसिटी की बात होती है तो रियर सीट को जब आप अपनी पोजीशन में रखेंगे तो आपको करीबन 513 लीटर्स की कार्गो कैपेसिटी मिल जाती है और रियर सीट्स को फोल्ड करके आपको ऑलमोस्ट 1500 लीटर्स की कैपेसिटी मिल जाती है।
इन कंपैरिजन सिट्रिन में भी आपको अगर पीछे की सीट आपने तीनों अपनी पोजीशन पे रखी, पीछे की सीट्स को आगे स्लाइड करके आपको 720 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है, और अगर आपने पीछे की सीट को पूरी तरीके से फोल्ड कर दिया तो आपको 1630 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है। अगर हम ये दोनों गाड़ी के कॉमन फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, कीलेस गो विद पुश बटन स्टार्ट मिलता है, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, और दोनों गाड़ियों में आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है। साथ ही साथ ये दोनों गाड़ियों के टॉप वेरिएंट्स में आपको एक हैंड्स फ्री टेलगेट मिल जाता है, और दोनों में आपको फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। ये दोनों गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता, लेकिन सिट्रिन में आपको रिवर्स कैमरा के लिए एक टॉप व्यू का फंक्शन भी मिल जाता है। अब Hyundai Tucson में आपको एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, लेकिन सिट्रिन में आपको एक फुल्ली डिजिटल 12.3 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। अगर हम ये दोनों गाड़ियों के फ्रंट सीट्स की बात करें तो Hyundai Tucson की जो ड्राइवर सीट है वो 10 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, और फ्रंट पैसेंजर सीट 6 वे एडजस्टेबल है, वो भी इलेक्ट्रिकली। लेकिन सिट्रिन में आपको सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है, और फ्रंट पैसेंजर सीट मैन्युअली एडजस्टेबल है। ये दोनों SUV सेफ्टी फीचर से काफी वेल इक्विप्ड है। Hyundai Tucson में आपको फ्रंट साइड कर्टेन एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS विद EBD मिलता है, ESC मिल जाता है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट का फीचर मिलता है, हिल स्टार्ट असिस्ट मिलता है, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल मिलता है, ब्रेक असिस्ट मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का फीचर मिल जाता है, इसमें आपको एडवांस ट्रैक्शन कंट्रोल कॉर्नरिंग भी मिल जाता है, और ये फीचर सिर्फ फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट में अवेलेबल है। जहाँ तक सिट्रिन की बात होती है तो इसमें भी आपको फ्रंट साइड कर्टेन एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS ऑब्वियसली मिल जाता है, हिल स्टार्ट असिस्ट मिलता है, ESP मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है जो Hyundai Tucson में मिसिंग है, और साथ ही साथ इसमें आपको हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिल जाता है। अब सिट्रिन C5 में आपको फोर व्हील ड्राइव या फिर ऑल व्हील ड्राइव नहीं मिलता एज एन ऑप्शन भी, लेकिन Hyundai Tucson के टॉप वेरिएंट में आपको फोर व्हील ड्राइव मिल जाता है। सिट्रिन C5 में आपको ग्रिप कंट्रोल का फीचर भी मिल जाता है, जिसमें बेसिकली 5 मोड्स है, स्टैंडर्ड, स्नो, सैंड, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ और ऑल टेरेन। अब हम बात करेंगे दोनों गाड़ियों के मैकेनिकल्स के बारे में। Hyundai Tucson में आपको 2 लीटर पेट्रोल एंड डीजल इंजन दोनों के ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन सिट्रिन C5 में आपको सिर्फ एक 2 लीटर डीजल इंजन मिलता है। अब Hyundai Tucson का जो पेट्रोल इंजन है वो एक नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट है, और ये प्रोड्यूस करता है करीबन 150 PS की पावर और 190 Nm की टॉर्क। पेट्रोल इंजन के साथ एक 6-स्पीड ऑटोमेटिक अवेलेबल है, लेकिन ये इंजन के साथ आपको 4-व्हील ड्राइव का फीचर नहीं मिलता। अब ये इंजन की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, इतनी दमदार तो नहीं है डीजल इंजन के कंपैरिजन में। इसमें आपको जो मिड रेंज का जो टॉर्क सर्ज होता है वो मिसिंग है, और फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी ये इंजन इतना खास है नहीं, आपको करीबन 8 से 9 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज दे देगा। जहां तक डीजल इंजन की बात होती है तो Hyundai Tucson का डीजल इंजन करीबन 185 हॉर्स पावर और 400 Nm डेवलप करता है, और ये इंजन एक 8-स्पीड ऑटोमेटिक के साथ अवेलेबल है। डीजल इंजन के साथ आपको टॉप वेरिएंट में 4-व्हील ड्राइव का फीचर भी मिल जाता है। ये इंजन अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करता है, मिड रेंज में आपको अच्छी टॉर्क सर्ज मिल जाती है, और ओवरऑल ये इंजन की जो ड्राइवेबिलिटी है वो काफी अच्छी है और अर्बन कंडीशंस के लिए वेल सूटेड है। ये इंजन आपको करीबन 12 से 14 प्रति लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी भी डिलीवर कर देगा। अब जहां तक सिट्रिन के डीजल इंजन की बात होती है तो इसमें भी आपको 2 लीटर इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 177 हॉर्स पावर और 400 Nm की टॉर्क। इसमें भी आपको एक 8-स्पीड ऑटोमेटिक मिल जाता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इसमें आपको 4-व्हील ड्राइव का फीचर नहीं मिलता। ये इंजन भी करीबन 12 से 14 प्रति लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी आपको दे देगा, और परफॉर्मेंस के मामले में ये Hyundai के इंजन से मुझे ज़्यादा पंची लगा। लो एंड लैग इसमें भी आपको कम फील होता है, लेकिन मिड रेंज में ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा पंची फील होती है और अच्छी तरीके से एक्सेलरेट करती है। अब ये दोनों गाड़ी में आपको इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, और सिट्रिन में आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। दोनों गाड़ियों के 8-स्पीड ऑटोमेटिक अच्छी तरीके से काम कर लेते हैं, इंजन के साथ अच्छी तरीके से ट्यून किए गए हैं, और दोनों में एक S मोड मिसिंग है। Hyundai Tucson में आपको एक कंफर्टेबल राइड क्वालिटी मिल जाती है, इसका सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट फील होता है, लेकिन सिट्रिन का जो सस्पेंशन सेटअप है वो एक अलग लेवल पे है। ये सस्पेंशन बहुत साइलेंट है, बहुत प्लश राइड ऑफर करता है, और बुरे रोड्स पे ये Hyundai Tucson से थोड़ी बेहतर राइड भी ऑफर करता है। जहाँ तक स्टेयरिंग की बात होती है तो इसमें भी सिट्रिन Hyundai से थोड़ा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसका जो स्टेयरिंग है C5 Aircross का वो ज़्यादा फीडबैक रिच लगता है, अच्छी तरीके से वेअप हो जाता है हाईवेज पे, और सिटी स्पीड्स पे एकदम एफर्टलेस फील होता है। Hyundai का जो स्टेयरिंग है वो सिटी स्पीड्स में लाइट फील होता है, लेकिन हाईवेज पे इतनी अच्छी फीडबैक ऑफर नहीं करता, थोड़ा वेग फील होता है। दोनों गाड़ियों में आपको अच्छी हाई स्पीड स्टेबिलिटी मिल जाती है, लेकिन अगर आप बुरे रोड्स पे थोड़ी फास्ट चलाएंगे गाड़ी तो आपको सिट्रिन थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। दोनों गाड़ियों में आपको चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, और दोनों की स्टॉपिंग पावर काफ़ी अच्छी है।
अब क्योंकि Hyundai Tucson की डीजल वेरिएंट में आपको फोर व्हील ड्राइव मिल जाता है, तो ये Citroen से थोड़ी ज्यादा केपेबल है। इसको आप बुरे रोड्स पे और आसानी से लेके जा सकते हैं, क्योंकि Citroen एक फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवी है, तो केपेबिलिटीज के मामले में ये थोड़ी पीछे रह जाती है। जहाँ तक ओवरऑल डिजाइन, ड्राइविंग फील ये सब की बात होती है, तो Hyundai Tucson ज्यादा एसयूवी इश फील होती है Citroen के कंपैरिजन में। Citroen C5 Aircross एक मॉडर्न प्रीमियम क्रॉसओवर ज्यादा फील होती है। तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया Hyundai Tucson और Citroen C5 Aircross का। अब ये दोनों SUVs में से आपको कौन सी खरीदनी चाहिए? अब Citroen की जो प्राइस है वो हमें अभी पता है नहीं, वो कुछ ही दिनों के बाद अनाउंस होगी, लेकिन Hyundai Tucson की प्राइस हमें जरूर पता है और वो है 26 लाख से लेकर 32 लाख ऑन रोड मुंबई। Citroen C5 की एक्सपेक्टेड प्राइस है 30 से 34 लाख रुपए ऑन रोड मुंबई। हाँ, ये Hyundai से थोड़ी महंगी शायद हो सकती है, लेकिन ये एक फ्रेश प्रोडक्ट है, ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। लेकिन Hyundai Tucson एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, इसके साथ आपको Hyundai का सर्विस नेटवर्क भी मिल जाता है जो काफ़ी वाइड स्प्रेड है इंडिया में। Citroen का सर्विस नेटवर्क अभी थोड़ा स्टार्टिंग में लिमिटेड होगा। अगर आपको एक रिलायबल गाड़ी चाहिए और आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी, तो मैं आपको Hyundai Tucson रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर आप एक नए ऑटोमेकर की नई गाड़ी ट्राई करना पसंद करेंगे, तो Citroen C5 Aircross एक ऐसी गाड़ी है जो आपको ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए, आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी।